अनोखा सर्वोदय स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर पर डीएम पंकज दीक्षित के द्वारा प्रवासी मजदूरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी चीजों को जानकारी के बारे में बताया गया है। डीएम ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार के माध्यम से जिनको खाता नहीं खुला है उनका खाता खुलवाया जा रहा है और जो पैसा सरकार के माध्यम से मिलने वाला है सभी लोग के खाते में चले जाएगा। नोखा ईओ सुशील कुमार थाना अध्यक्ष नवरत्न चंद वीडियो राम जी पासवान मौजूद थे। तो कोई ना कोई काम आप जरूर नहीं कर रहे थे, तो अब सरकार की ये जो भूमिका है सरकार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके इस चीज को मान लिया फिर कोई काम कर रहा है या कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है तो अपने यहाँ ही हम आपके लिए सुविधाएं क्रिएट करें जिससे जो बाहर जाने की जरूरत पड़ती है वो ना पड़े या मिनिमम पड़े। मतलब इसके लिए आपको नल का जल हो गया है, आपके यहाँ पे गली नदी हो गई है, अब आपको रोजगार देना है जिससे कि आपको कोई टाइम होगा उनका हर कर्ज के पाने में उसके लिए बच सकता है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहिए आप लोग अपने रूम पे बैठो और जैसे भी हम लोग आएंगे उसमें भी जैसे आ रहे हैं तो उसके भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ जाएंगे तो अपना आराम से वहाँ पे खड़े हो गए जो पूछ रहे हैं वो बताते जाना है और फिर उसके बाद जैसे ओवर होगा फिर जाएंगे। आज के डेट में बिहार में प्लम्बर की जितनी जरूरत है उतनी पूरे देश में कितनी जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी आप अपने घरों में जब वापस जाएंगे तो हर घर नल के जल की व्यवस्था की जा रही है। तो जब हर घर नल के जल की व्यवस्था की जा रही है और आपके यहाँ पे पूरे देश में इतना तेजी से और इतना आगे अभी तक रूरल एरिया में कहीं नहीं है तो हमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लम्बर की आवश्यकता हो, क्योंकि अब क्योंकि हर गाँव हर शहर हर टोले में जरूरत है। तो ऐसे जो भी बहुत सारे चूँकि तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही है अभी हर घर में बिजली पहुँच रही है तो बहुत सारे पेशेंट जैसे यही पे हम लोग पहले आए थे उन्हें चलना था उसको तो ऐसा नहीं आराम से अपने करने में थे क्योंकि हर जगह पंखे लगे हुए हैं अभी सारी चीज़ अरेंजमेंट में तो यही रिक्वेस्ट होगा गारंटी ग्रुप में और जिन लोगों को आप लोगों ने बताया है दो चार लोगों को मान लिया है वो इस